दोस्तों हाल ही में भरतपुर में गैंगस्टर कुलदीप जगीना की टोल प्लाजे पर गैंगस्टरों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। तो इसके बाद अब उन गैंगस्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें क्या ही खुलासे निकलकर सामने आए हैं, तो बताते हैं आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों भरतपुर के अमोली टोल प्लाजा पर बुधवार दोपहर करीब 12:15 बजे भाजपा नेता कृपाल जगीना हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप जगीना की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। कुलदीप और उसके साथी विजय पर उस समय हमला किया गया जब उन्हें जयपुर से भरतपुर कोर्ट में पेश करने के लिए रोडवेज बस में ले जाया जा रहा था। कार में सवार होकर आए करीब 7 से 8 बदमाशों को पहले से ही पता था कि बस अमोली टोल प्लाजा से होकर गुजरेगी और यही सही मौका रहेगा। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कृपाल हत्याकांड का बदला लिया गया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में 4 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। दोस्तों फायरिंग के दौरान बस में करीब 55 यात्री थे। जब बदमाशों ने एक के बाद एक फायर किए तो यात्री बस में छुपने की बजाय ढूंढते रहे। बदमाशों ने इस तरह से घेराबंदी कर रखी थी कि किसी को भी नीचे उतरने का मौका ही नहीं दिया। एक यात्री रूपबांस निवासी मनोज कुमार पुलिस कर्मियों के पास बैठा था। फायरिंग के दौरान उसने भी बचने की कोशिश की थी लेकिन वह बच नहीं पाया और उसकी पीठ के निचले हिस्से में गोली लगी है। मनोज नाम का युवक अभी भी RBM हॉस्पिटल में एडमिट है और एक 70 साल की महिला रामपते भी घायल हो गई है, जिनके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। बाकी यात्रियों को दूसरी बस में रवाना कर दिया था। दोस्तों जिस शख्स के गोली लगी है, जिसका नाम मनोज है, उसने इस पूरी घटना को बताया है। दरअसल मनोज ने बताया कि मैं रूपबास भरतपुर का रहने वाला हूं। किसी काम से बुधवार को दौसा गया था। सुबह करीब 11 बजे दौसा रोडवेज बस स्टैंड से जयपुर से आने वाली बस में बैठा था। पूरी बस में करीब 55 यात्री बैठे हुए थे। जब मैं बस में घुसा तो करीब 6 पुलिसकर्मी 2 बदमाशों को लेकर बैठे हुए थे। मुझे नहीं पता था कि कौन हैं ये लोग, कहां से आ रहे हैं। इन्हीं पुलिसकर्मियों के पास एक सीट खाली थी तो मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। मेरे पास में ही एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। पुलिसकर्मी बार बार आते और दोनों बदमाशों को चेक कर दोबारा अपनी सीट पर बैठ जाते। इसके बाद दोपहर करीब 12:15 बजे अमोली टोल प्लाजा पर बस पहुंची। यहां से एक लेन में ट्रक की लंबी लाइन लगी हुई थी। बस जैसे ही टोल प्लाजा के काउंटर पर पहुंची तो ड्राइवर पर्ची रहा था, तभी टोल पर पहले से मौजूद एक नीले रंग की कार बस के आगे आकर रुकी थी। ड्राइवर को समझ नहीं आया कि आखिर कैसे क्या हुआ है। बस ड्राइवर और दूसरे यात्री कुछ समझ पाते इतने में ही कार से 7 से 8 बदमाश नीचे उतरे और बस को घेर लिया। इन बदमाशों ने बस को पूरी तरह से घेर लिया और किसी को भी पता नहीं था कि अगले ही पल में फायरिंग होने वाली है। अधिकांश बदमाशों के चेहरे ढके हुए थे। पुलिस वालों को भी कुछ समझ नहीं आया। इतने में ही बदमाशों ने अपनी जेब से लाल मिर्च पाउडर निकाला और उनकी में झोंक दिया। इसके बाद बदमाशों ने हथियार निकाले और फायरिंग करना शुरू कर दिया। करीब 5 मिनट तक फायरिंग की। इसमें गोलियों की आवाज से पूरी रोडवेज बस गूंज गई थी और टोल पर भी मौजूद लोग गोलियों की आवाज सुनकर इधर उधर भागने लगे। तो इसी फायरिंग के बीच मनोज नाम के युवक और एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को गोली लगी है। साथ ही साथ कुलदीप के साथ विजय पाल ने भी सीट के नीचे छुपने का प्रयास किया, इसीलिए वह बच गया और गोली उसके हाथ में लगी है। वहीं कुलदीप जगीना को तो मौका ही नहीं मिला क्योंकि शायद बदमाश कुलदीप जगीना को ही टारगेट कर रहे थे और सब यात्रियों के सामने ही कुलदीप जगीना की उन बदमाशों ने हत्या कर दी। इस घटना के बाद एक वीडियो भी सामने आया है और दूसरी तरफ CCTV को भी चेक करवाया है। CCTV में बदमाशों की पहचान कर ली गई है। इसके बाद देर शाम 4 आरोपी विष्णु, सौरभ, धर्मराज और बबलू को हिरासत में ले लिया है। तो दोस्तों कुलदीप जगीना हत्याकांड को कुछ इस प्रकार अंजाम दिया गया था। बदमाशों की प्री प्लानिंग पहले से ही थी। उन्होंने पहले ही पूरा प्लान तैयार किया हुआ था। जैसे ही बस टोल प्लाजा पर पहुंची तो बदमाशों ने बस को रोककर तुरंत ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें कुलदीप जगीना को टारगेट किया जा रहा था, इसलिए कुलदीप जगीना पर ही उन बदमाशों ने अनाधुंध फायरिंग की, जिसके कारण कुलदीप जगीना की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं उसके साथी विजय पाल के हाथ में गोली लगी है, वो अभी अस्पताल में है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इस पूरे हत्याकांड को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।